बिलासपुर स्थित विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के चलते जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं रविवार सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते श्रद्धालुओं सहित दुकानदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार के दिन देश भर से काफी संख्या में भक्त माँ नैना देवी के दर्शनों के लिए आते हैं, मगर बरसात के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखने को मिली। वहीं दुकानदारों का कहना है कि बरसात के कारण और हवाओं के चलते उन्हें बार बार अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी, जिससे उनकी आमदनी पर सीधा असर पड़ा। जबकि किसानों का कहना है कि इसी तरह अगर बरसात चलती रही तो उनकी मक्की की फसल बर्बाद हो जाएगी, जिससे उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। माता नैना देवी के दरबार में दो दिन से लगातार बारिश लगी हुई है, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी फर्क पड़ गया है। माता नैना देवी के दरबार में दो दिन से लगातार बारिश हो रही है और तेज़ तूफान भी पड़ रहा है, जिसके कारण श्रद्धालुओं के आने में काफ़ी कमी हो गई है और बारिश से भी काफ़ी ज़्यादा दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कभी दुकानें बंद और कभी खोलनी पड़ रही हैं। हाल ही में जो ये भारी बारिशें हो रही हैं, इसके कारण किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। ज़्यादातर खेतों में पानी इतना ज़्यादा हो गया है कि मक्की की फसल तबाही के कगार पे है, वो गल ही जाएगी। और ज़्यादा तूफान चलते हैं, ज़्यादा बारिश होने के कारण आधी से ज़्यादा मक्की तो वैसे ही लेट के ख़त्म हो चुकी है। अतः सरकार से आग्रह रहेगा कि अगर ये मक्की की फसल ऐसे ही सारी नष्ट हो जाती है तो किसानों के बारे में अवश्य कोई निर्णय लें। धन्यवाद। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।